अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ अली यूसुफ़ज़ई 99 न्यूज़ के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं मोरो के शाही बाज़ार सब्ज़ी मंडी में। महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, इस हवाले से आए तो शहरियों से मालूमात लेते हैं। मोरे शहर में कोई पूछने वाला नहीं है, हर चीज़ महंगा है। आटा 100 रुपये किलो है, प्याज जो चल रहा है 200 रुपये किलो है, 500 रुपये घी का चल रहा है सिस्टम। और कोई भी ऑफिसर, कोई अमलदार, कोई किसी चीज़ पे अमल नहीं करते हैं, ऑफिस से बाहर निकलते नहीं हैं। गरीब आदमी जो भी है ना, सख्त सख्त परेशान है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, प्याज जो है 200 रुपए किलो यहाँ बिक रहा है, हर चीज़ महंगी है। हम तो इस महंगाई से तंग आ गए हैं कि पाकिस्तान को ही छोड़ दे। महंगाई तो है, जाहिरी बात है, महंगाई तो लाजमी बात है, हर चीज़ महंगी है। आलू ले लो वो महंगा है, प्याज ले लो, प्याज तो उतरने का नाम ही नहीं ले रही है, प्याज 300 रुपए से नीचे आ ही नहीं रही है। आटा देख लो वो इतना महंगा हो गया है, पता नहीं हमारी हुकूमत, सिंधी हुकूमत अपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, सोई पड़ी है, पता नहीं क्या समझ से बाहर है हमारे। चोरियां नहीं करेगी तो क्या करेगी आवाम। कहा जाता है कि पंजाब में आटा 60 रुपए किलो है और हमारे सिंध में 130 रुपए आटा किलो है, आखिर इसकी वजह क्या है? ये हुक्मरानों का दिया हुआ बोझ है आवाम पे, क्योंकि पंजाब जो है वहाँ की जो सूबाई खाता है फूड जो है वहाँ पे वो कंट्रोल रखता है प्राइस लिस्ट पे, और यहाँ तो सिंध में कोई अंधेरी नगरी चरबट राजा का कानून है, जिसको जितना आता है वो लूट लेता है। हुकूमत दावा कर रही है, हमारी सिंध हुकूमत, कि आटा हमने 65 रुपए किलो कर दिया है, लेकिन नौशहरों जिलों के तालका मोरो न्यू जतोई मिठियाणियों व्यापार जा और पुरन के अलावा छोटे बड़े देहात और शहर में कहीं भी आटे के स्टॉल नजर नहीं आ रहे। महंगाई का हाथ राधू शहरियों ने, दुकानदारों ने जुल्म कर रखा है। हैप्पी बाइल घी जो 420 रुपए वाला यहाँ 500 रुपए में चल रहा है, पकवान जो 400 रुपए वाला वो 460 रुपए में चल रहा है, उसके अलावा बरेगा गोश्त 650 रुपए और मुर्गी 700 रुपए किलो और 650 रुपए किलो यहाँ चल रहा है। ये दो महीने से जो है प्याज की कीमत जो है 220-200 रुपए चल रही है, उसमें आपका क्या कहना है? मंडी वाले बोल रहे हैं तो भाई प्याज की ये बारिशों की वजह से प्याज की शॉर्टेज हो रही है। ये चलो ठीक है, प्याज तो चलो सारे मुल्क में 200 रुपए चल रहा है, लेकिन यहाँ दुकानदारों ने आटा चीनी घी और खाने की दालें है उस पर 40-40 रुपए किलो के हिसाब से ऊपर लगा रखा है। इंतजामिया कहीं भी नजर नहीं आ रही, एक तो बारिश ने गरीबों को लूटा है, ऊपर से ये मुनाफाखोर दुकानों ने आवाम का जीना जंजाल कर रखा है।